नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार जिन्होंने हर उम्र वर्ग को अपना दीवाना बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। 70 साल के हो चुके मिथुन चक्रवर्ती बेहद ही दमदार एक्टर हैं और उन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं। मिथुन दा को ज्यादातर लोग मिथुन दा बोलते हैं। और आपको बता दें कि 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि यह नाम उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मिथुन बॉलीवुड की उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनका ना कोई फिल्म बैकग्राउंड रहा और ना ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई। आज हम आपको मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे। आपको बता दें कि मिथुन ने पहली फिल्म जो की थी वह 1976 में आई थी। इस फिल्म का नाम था मृग्या। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद मिथुन ने कई हिट फिल्में दी। वो एक सफल अभिनेता थे और आपको बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में कई ऊंचाइयों को छुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं और वह पढ़ाई में काफी अच्छे जाने जाते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड में रुक करने के बाद मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी शानदार बंगला और होटल है। मोनार्क होटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऊटी में स्थित होटल में करीबन 59 कमरे हैं, 4 लग्जरी स्वीट्स हैं, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इंडोर स्विमिंग पूल, लेजर डिस्क थिएटर, मिडनाइट काउबॉय बार एंड डिस्को के साथ साथ किड्स कॉर्नर सहित हर तरीके की सुविधा यहां मौजूद है। अगर बात मनसीगुड़ी में उनके बंगलों की जाए तो यहां पर 16 बंगले हैं, 14 ट्विंस मचान हैं, 4 स्टैंडर्ड रूम, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड के साथ साथ हॉर्स राइडिंग और जीप जंगल राइड की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर नॉन एसी मचान बंगलों और कॉटेजों की भी भरमार है। इसके अलावा मिथुन के पास मैसूर स्थित होटल में 18 वेल फर्निश्ड एसी कॉटेज, 2 AC suite, ओपन एयर मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट के साथ साथ स्विमिंग पूल, टेबल और ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेस भी उपलब्ध है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मिथुन ने करीबन 350 फिल्मों में काम किया और वह एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो अब भी पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। उन्होंने वारदात, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाले, हमसे बढ़कर कौन, चरणों की सौगंध, हमसे है जमाना, बॉक्सर, बाजी, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, करिश्मा कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में काम किया है। उनका सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच बताया जाता है, जब लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। आपको बता दें कि इस दौरान एक साथ मिथुन की 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बाद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स के पास छाया था कि उन्होंने तब 12 फिल्में एक साथ साइन की थी। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।